Hello students, welcome to this video lecture on methods of irrigation. In this video we will discuss sprinkler irrigation system. So this is an image showing a type of sprinkler irrigation system. Sprinkle means छिड़काव करना. देखिए बारिश के जैसे जो है माहौल क्रिएट किया जाएगा, उसको सिमुलेट किया जाएगा रेन वाटर को. लेट्स सी. स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अलाउज एप्लीकेशन ऑफ वाटर अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप. होता क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ वाटर है अंडर हाई प्रेशर. हाई प्रेशर से पानी को छिड़काव किया जाना पंप की मदद से. इट रिलीजेस वाटर सिमिलर टू रेनफॉल थ्रू अ स्मॉल डायमीटर नोजल प्लेस्ड इन द पाइप्स. पाइप्स में नोजल्स, स्मॉल नोजल्स लगी हुई हैं, वो रेनफॉल की तरह पानी को स्प्रे करेंगी चारों तरफ. वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सिस्टम ऑफ पाइप्स स्प्रेड इनटू द एयर एंड इरिगेट्स इन मोस्ट ऑफ द सॉइल टाइप्स ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटी. तो जो स्प्रिंकलर है, जो नोजल से पानी जा रहा है, जो रेनफॉल की तरह जा रहा है, इसको वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल, करीबन करीबन हर किस्म की सॉइल के ऊपर इसको स्प्रिंकलर सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं. क्योंकि अलग अलग प्रेशर से, अलग अलग रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट है वैसी प्रेशराइज प्रेशर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं टू रिलीज द वाटर. एंड अटेम्प्ट इज मेड टू सिमुलेट नेचुरल रेनफॉल. मेन पर्पज़ क्या होता है कि जैसे कुदरती रूप से बारिश हो रही है वैसा माहौल क्रिएट किया जाए फसल के लिए. तो इरीगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे. स्प्रे किया जाता है. द स्प्रिंकलर इरीगेशन में भी सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म. तो तीन ढंग से इसको सब डिवाइड कर सकते हो हम लोग. द मेन इरीगेशन सिस्टम, द सप्लीमेंट्री इरीगेशन सिस्टम, द प्रोटेक्टिव इरीगेशन सिस्टम. मेन, सप्लीमेंट्री या प्रोटेक्टिव. तो कुछ कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन के लिए. कौन कौन सी? When the land topography is irregular and has unsuitable for surface irrigation. हमने surface irrigation में देखा था कि जो farm है, जो हमारे खेत हैं, उनको समतल होना जरूरी होता है और उनकी land grading जरूरी होती है. एक high level से low level में पानी जो है, ये water sheet जो है flow करेगी. उस water sheet को contain करने के लिए bunds हमने side पे जो बनाए थे. तो अगर हमारी टोपोग्राफी, हमारा जो ज़मीन है, खेत की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी वो है, उसकी जो ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है वो अनड्यूलेटेड है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे सरफेस इरिगेशन जो है एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं होती. तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है बेस्ट मेथड माना जाएगा. वन द काइंड ग्रेडियंट इज स्टीपर एंड द सॉइल इज ईजिली अरोडेबल. अगर जो सॉइल इस किस्म की है कि पानी छोड़े तो पानी के साथ वो उसकी इरोजन वो साथ में बहती हो, या स्लोप ढलान बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है सूटेबल नहीं है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन द लैंड सॉइल इज एक्सेसिवली परमीएबल. अगर हमारे खेतों की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा परमीएबल है, उसमें से पानी जो है बहुत जल्दी सैंडी है, वो नीचे सिम जाता है, सो एज नॉट टू परमिट गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं पाएगी, पानी वैसे ही नीचे सिम गया. तो सरफेस इरिगेशन बाय सरफेस इरिगेशन. और व्हेन द सॉइल इज हाईली इम्परमेबल, ज़्यादा सरफेस इरिगेशन उस पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी बहुत जल्दी नीचे सिम जाता है. जब वो हाईली इम्परमेबल है, पानी नीचे जाता ही नहीं है, तो रूट जोन में कैसे जाएगा? तो वह ऐसे भी इरीगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इन कंडीशन में स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है वो बेस्ट मेथड रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द वाटर टेबल इज हाई. ज़्यादा पानी देंगे, सरफेस इरीगेशन करेंगे, तो उससे वाटर टेबल और ज़्यादा अप होने के चांस रहते हैं, कैपिलरी एक्शन रहेगा. तो ये सब क्या वाटर लॉगिंग की कंडीशंस पैदा कर सकते हैं. तो स्प्रिंकलर इरीगेशन ही ठीक रहेगा. व्हेन द एरिया इज सच दैट द सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट इज लो, सच दैट नियर द कॉस्ट. अगर पानी की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम है, पीरियडिकली चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो वाटर सप्लाई कर सकते हैं. When the crops to be grown are such as to require humidity control, crops having shallow roots, or crops requiring high and frequent irrigation. अगर हमारी क्रॉप की कुछ पर्टिकुलर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टोबैको,
तंबाकू की खेती के लिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉप्स हैविंग शैलो रूट्स, उसके रूट्स जो है शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है, उसको पानी ऊपर से देना ज़्यादा यूजफुल रहेगा राधर दैन कि हम लोग उसके रूट जोन में जहाँ सब सरफेस इरीगेशन करने की कोशिश करें, जहाँ उसको जो है फ्लड इरीगेशन करें। क्रॉप्स रिक्वायरिंग हाई एंड फ्रिक्वेंट इरीगेशन, अगर क्रॉप्स को इरीगेशन ज़्यादा चाहिए, बार बार चाहिए, तो हम लोग बार बार पानी वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिक्वेंटली पानी अप्लाई करना है तो स्प्रिंकलर इरीगेशन बेटर ऑप्शन है, सब सरफेस नहीं चलेगा और सरफेस इरीगेशन में वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। व्हेन द वाटर इज अवेलेबल विद डिफिकल्टी एंड इज स्केयर्स, अगर पानी है ही नहीं हमें, हर हालत में हमें पानी बचा के रखना है, मैक्सिमम पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है, पानी हमारे पास है नहीं तो जितना पानी है उसको मोस्ट जुडिशियसली हमें यूज़ करना है, तो स्प्रिंकलर मेथड इन हालातों में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। एडवांटेजेस क्या है स्प्रिंकलर इरीगेशन के? द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन इज एलिमिनेट्स वाटर कन्वेयंस चैनल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग कन्वेयंस लॉस। इसमें कन्वेयंस चैनल्स की जरूरत नहीं है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इटसेल्फ वो या तो फिक्स्ड होता है या मूविंग रहता है, तो कितना भी जैसे हम देखेंगे सेंटर में एक पॉइंट पे पिवट जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, सेंटर में रखो पानी वहाँ तक पाइप से लेके आओ, उसको सारे खेत में चारों तरफ जैसे एक सर्कल का रेडियस घूमता है ऐसे चारों तरफ घुमा दो, तो यूजुअली क्या होता है कन्वेयंस चैनल्स की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे कन्वेयंस लॉस भी पानी का लॉस हो गई नहीं। जो स्प्रिंकल किया, जो हमने सीधे बारिश की तरह पानी को स्प्रे किया वही किया, उसकी कन्वेयंस में कोई लॉस नहीं है। सूटेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हैवी क्ले, हैवी क्ले ना हो अदरवाइज हर सॉइल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वाटर सेविंग इज अप्रोक्स 30-50%, सूटेबल फॉर इरीगेशन वेयर द प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज वेरी हाई। तो ऐसी इरीगेशन जहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स क्रॉप प्लांट्स जो हमने उगा रखे हैं, तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम तो उसको नेचुरल वे की तरह बारिश की तरह पानी जो मिले तो वो बेटर रहेगा। हेल्प्स टू इंक्रीज यील्ड, तो अल्टीमेटली पैदावार इससे बढ़ जाती है। रिड्यूसेस सॉइल कंपैक्शन, तो क्योंकि पानी जो है रूट में नीचे इतना जाता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, खड़ा ही नहीं होता है, तो सॉइल में जो है वॉइड्स को मूव करते ही नहीं है, तो सॉइल कंपैक्शन अल्टीमेटली मिनिमम होती है जो इन हालातों में हो जाती है। अदरवाइज मोबिलिटी ऑफ सिस्टम हेल्प्स सिस्टम ऑपरेशन इजी, अगर हमने मोबाइल स्प्रिंकलर ऑप्ट करते हैं तो उसमें सारे हमारे फार्म में कितनी बड़ा क्यों ना हो उसमें वो स्प्रे करना जो है एक केक वॉक होता है, मुश्किल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता है। सूटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड, अगर हमारे जो फार्म की लैंड है वो उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सब सरफेस हो या सरफेस इरीगेशन सिस्टम होता तो उसमें सब कुछ ये चीज़ें देखनी होती है। इसमें तो हमें ऊपर से स्प्रे करना है, तो जो सरफेस है उसकी कंडीशन टोपोग्राफिकल कंडीशन कैसी भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेव्स लैंड एज नो बंड्स रिक्वायर्ड, इसमें जो है सेविंग भी हो रही है, क्योंकि हमने कोई भी खाल कोई भी ऐसे सपोर्ट साथ में इम्बैकमेंट लेवीज या बंड्स बिल्कुल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे खेत में सिर्फ बाउंड्री स्ट्रिप होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यूज आर पॉसिबल, ये एक अनदर एडवांटेज है, जो हमने पानी स्प्रे करना है उसमें फर्टिलाइजर्स या दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो सोल्यूबल केमिकल्स आते हैं आजकल, तो उसको इसमें सॉल्व कर डिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे स्प्रे कर सकते हैं, ये इसका मेजर अदर एडवांटेज रहता है। प्रोवाइड्स फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन अल्टरेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन है, इससे पानी जमने के चांस नहीं है, स्प्रे किया प्लांट्स ने उसको यूज़ किया, फ्रॉस्ट अगर ठंडा काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग गया तो उन हालातों में ये यूजफुल रहेगा। रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है, एक बार सिस्टम बन गया, इनिशियल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इसमें मिनिमम होती है। इलेक्ट्रिसिटी जरूर चाहिए होगी, वो इसकी लिमिटेशन में आएगा, पावर चाहिए, अदरवाइज लेबर मिनिमम हो जाती है। सो डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसके लिमिटेशंस क्या है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज रादर हाई, अभी बोल चुके हैं मशीनरी है सारा सिस्टम है तो इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है। एनी कॉस्ट ऑफ पावर टू प्रोवाइड प्रेशर मस्ट बी एडेड टू द इरीगेशन चार्जेस, तो पानी को स्प्रे करने के लिए
प्रेशर चाहिए, पंप चाहिए, पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या कुछ और जो आप जनरेटर वगैरह जो भी है लोकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन जो भी आप प्रोवाइड करते हो तो वो सब चाहिए, तो उसकी कॉस्ट जो है ओवरऑल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। विंड इंटरफेयर्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं वो स्प्रिंकलिंग में स्प्रे ऑफ इरीगेशन वाटर में इंटरफेयर करेंगी, परेशान करेंगे। ज़्यादा हवा तेज़ चलती हो या जिस एरिया में आमतौर पे हवा तेज़ चलती है वहाँ पे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। इट रिड्यूसेस द स्प्रेडिंग रेट एंड इन टर्न एफिशिएंसी, अगर तेज़ हवाएं चल रही है तो स्प्रेडिंग रेट जो है गड़बड़ा जाता है। अंडर हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर टेम्परेचर हाई है काफ़ी तेज़ है और हवाएं ज़्यादा तेज़ चल रही हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। और ऐसे हालातों में दिनों चाहे रात हो, रात को भी इवेपोरेशन बहुत रहती है अगर तेज़ हवाएं चल रही है। सो दे बाय ऑफसेटिंग द सेविंग इन वाटर, जितना पानी बचाया था ऐसे वो उड़ गया तेज़ हवाएं या टेम्परेचर की वजह से, तो ऐसे जो ऑफसेट हो जाते हैं, जो जितना फ़ायदा हुआ था उतना नुकसान होने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड की, कि जो परफोरेशन इन द पाइप में चौका, अगर पुअर क्वालिटी वाटर यूज़ किया उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं पानी में तो वो जो परफोरेशन है पाइप में नोजल में जो है वो चोक हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। लेबर इज रिक्वायर्ड टू मूव द पाइप्स एंड प्लांट, तो पाइप और प्लांट को मूव करने के लिए उसके लिए लेबर तो चाहिए ही होगी। वाटर सप्लाई हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम सेडिमेंट टू अवॉइड चोकिंग ऑफ नोजल्स एंड एक्सेट्रा, जो अभी हमने प्रॉब्लम की थी कि चोकिंग ऑफ नोजल्स वगैरह जो है उसको रिमूव करने के लिए जब पानी में सेडिमेंट्स वगैरह या और इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है किस टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स, ओके वी कैन कैटेगराइज इट एज कन्वेंशनल सिस्टम और मोबाइल सिस्टम। मोबाइल सिस्टम आगे तीन तरह के हैं। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या था, कन्वेंशनल सिस्टम कैन बी परमानेंट सिस्टम, इट कैन बी सेमी परमानेंट सिस्टम और इट कैन बी पोर्टेबल सिस्टम। परमानेंट फिक्स्ड है एक जगह पे, सेमी परमानेंट कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन को आप मूव करके इधर उधर अपने फार्म में खेत में लेके मूव जा सकते हो। पोर्टेबल सिस्टम पूरे का पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है पोर्टेबल है, एक हिस्से दूसरे खेत में भी जा सकता है, अपने खेत में भी ऐसे मूव कर पाएगा। इन परमानेंट सिस्टम ऑल द कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड इन फील्ड, तो कन्वेंशनल सिस्टम है जो परमानेंट सिस्टम है उसमें सारे कंपोनेंट जो है फिक्स्ड हैं। तो विच आर इलेक्ट्रिक, कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं परमानेंट सिस्टम में, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ रिक्वायर्ड हॉर्स पावर, पंप ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड हेड, सक्शन लाइन फ्रॉम द पंप सम्प, सम्प क्या होता है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा गया है टू सप्लाई टू द प्लांट्स, स्प्रे फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिस्टम फॉर स्प्रे। मेन लाइन एक होगी, चेक वाल्व्स होंगे, मेन गेट वाल्व्स होंगे, लेटरल्स विद राइजर्स एंड स्प्रिंकलर्स जो है होगी। सेमी परमानेंट सिस्टम में क्या है, सम्प पंप एंड मेन लाइन आर फिक्स्ड, तो जहाँ पे पानी को हमने स्टोर करके रखा है यूजेस के लिए पंप है जो, मेन लाइन्स है वो फिक्स्ड है, लेकिन लेटरल्स विद स्प्रिंकलर्स जहाँ से हमने छिड़काव करना है वो जो है होज पाइप जो है उसको लेकर के मूव कर सकते हैं। पोर्टेबल सिस्टम में क्या है, देर आर हाईएस्ट लेबर रिक्वायरमेंट्स एंड लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट, जो पोर्टेबल सिस्टम है इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन इसकी लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी, इसको मूव करने के लिए हमेशा जो लेबर है उसको अवेलेबल होना जरूरी रहेगा। ऑल कंपोनेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन, सूटेबल फॉर लो ग्रोइंग क्रॉप्स बट इम्प्रैक्टिकल फॉर टाल कॉर्न और शुगर केन, इसको मूव करना अगर शुगर केन है या टाल क्रॉप्स हैं उनके बीच में से इनको मूव करना इम्प्रैक्टिकल रहता है, मुश्किल रहता है। अगर क्रॉप की हमारी क्रॉप ऐसी है जिसकी हाइट कम है तो उसमें से इसको मूव करके लेके जाना प्रैक्टिकल है, पोर्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो मोबाइल स्प्रिंकलर टाइप्स जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें क्या है, तीन तरह के जो स्प्रिंकलर टाइप्स है मोबाइल स्प्रिंकलर सिस्टम में, रेनगन इरीगेशन सिस्टम, लीनियर मूव एंड सेंटर पिवॉट सिस्टम।
देखते हैं, पिक्चर से ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेजेस हैं, अभी समझ में आएगा। पहले एक जो फ्लो चार्ट बनाया है इसकी क्लासिफिकेशन का, टाइप्स ऑफ सबरेगुलर सिस्टम अभी हमने देखा था, वी कैन सब डिवाइडेड इट इनटू कन्वेंशनल सिस्टम एंड मोबाइल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम में देर आर थ्री कैटेगरीज, परमानेंट सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम एंड पोर्टेबल सिस्टम। मोबाइल सिस्टम में क्या है, देर आर अगेन थ्री टाइप्स मोबाइल सिस्टम में, रेनगन इरीगेशन, लीनियर मूव एंड सेंटर पिवट सिस्टम। सो मूवेबल में हम देखते हैं रेनगन इरीगेशन सिस्टम। रेनगन में इसमें जो है इट वर्क्स लाइक ए गन विच स्प्रेस वाटर, रेन गन, सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज रेन गन। तो इसमें एक सिस्टम है, दूर तक, काफ़ी दूर तक इसमें देखा जाएगा कि इसकी काफ़ी दूर तक स्प्रे रहे ताकि हमें इसकी मूवमेंट ज़्यादा ना करनी पड़े। तो स्प्रिंकल जो है बाय रेनगन से हम लोग कर सकते हैं, या लीनियर मूवमेंट, तो जो हमारा फार्म है इसकी कोशिश की जाए कि उसकी उतनी विड्थ रहे जितनी फार्म की विड्थ है, जब दो बार या मतलब बार बार ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे तो लीनियर मूव कर रहा है। ये देखो, ये जो अपनी पंप है इट विल मूव लीनियरली, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। उसके साथ में जो स्प्रे करने का सिस्टम है, ये उसकी स्पोर्ट्स है, उसमें से ये पाइप्स है, होजेज हैं, जो पानी, ये देखिए यहाँ से पानी जो चारों तरफ जो है स्प्रे हो रहा है, तो ये सारी नोजल से अलग अलग सारी होजेज है, तो ये सारे लीनियरली मूव कर रहे हैं ऐसे सीधे, फिर वापस जाएगा, फिर उधर से वापस आएगा, फिर ऐसे लीनियरली मूव कर रहा है। दिस इज लीनियर मूव स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। एंड द लास्ट टाइप इज सेंट्रल पिवट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसमें जो सम्प है या वाटर सप्लाई है एक जगह पे, जो मेन इक्विपमेंट है एक जगह पे फिक्स्ड है ये, और यहाँ से जैसे रेडियस ऑफ सर्कल होता है हमारा, ये सर्कुलर मूव करेगा। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये हमारा मान के चलो स्प्रे सिस्टम है, यहाँ पे अलग जगह जगह पे हमारे जो है होज बने हुए हैं, वहाँ से देखो यहाँ से पानी स्प्रे हो रहा है, मान के चलो यहाँ से हो रहा है, ये दो पॉइंट हैं या एक पॉइंट हो सकता है, जैसे जैसे इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सेंटर से ये ऐसे अपनी पोजीशन जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी ये मूव करेगा, जैसे इसका जितनी इसकी दायरा है ऐसे स्प्रे करके इसकी लोकेशन हम चारों तरफ जो है इसमें अपने फॉर्म में चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ये मूव करेगा। यहाँ पे स्प्रे किया, फिर यहाँ पे स्प्रे किया, फिर इधर चारों तरफ घूमता है, इट इज एट द सेंटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रिकल सिस्टम। सो सेलेक्ट द नेक्स्ट वीडियो टू कंटिन्यू योर लर्निंग। थैंक यू।